नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस सरकार में आम जनता परेशान है और हर तरफ सिर्फ लूट हो रही है। तो ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या, वहां पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर के उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है और बैंकों में रखी हुई तिजोरी जो बॉक्स वो जो है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय गाजियाबाद में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी? कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बुंदेलखंड में 5,000 रुपए लोग गरीबों ने अपने रखे थे, उसकी लूट हो गई। यही छिबरामऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी। आपके बगल के जिले में बताइए, फरीदाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी? अभी सुनने में आया कि एक पुलिस का अधिकारी, जेलर किसी से मिलने के लिए उनके परिवार के साथ क्या व्यवहार कर रहा था जेलर। यही एटा, एक दरोगा ने एक महिला थी उसके पति को डरा करके, धमका कर उस महिला से संबंध बना लिया। वो दरोगा जेल में है।